स्टार्टअप, ये स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन आज नौकरी से ज्यादा लोग स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। एक नौकरी पेशा आदमी जो किसी कंपनी में लगा हुआ है, वो भी आधे दिन यही सोचता रहता है कि काश मेरा खुद का कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप होता और मैं एम्प्लॉय होने की जगह मालिक होता। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आज देश के स्टार्टअप कल्चर और यूनिकॉर्न कंपनियों की बात होगी। क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले देश में छोटे छोटे आइडिया से शुरू हुई कंपनियां आज के दिन अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही हैं और कुछ तो यूनिकॉर्न भी बन गई हैं। यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए हो। देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिकॉर्न कंपनियों में देश का भविष्य देख रहे हैं। नए भारत की अर्थव्यवस्था में यूनिकॉर्न कंपनियां एक नई उम्मीद पैदा कर रही हैं। यूनिकॉर्न मतलब फ्लिपकार्ट, बायजूस, ओला, जोमैटो, ओयो जैसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो भारत में बढ़ते स्टार्टअप कल्चर की सफलता का बड़ा उदाहरण है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए हो चुकी है। बहुत कम समय में एक छोटे से स्टार्टअप से अरबों रुपए का कारोबार करने वाली कंपनी बनना कोई साधारण बात नहीं है। इन कंपनियों ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है और नए भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। वैल्यूएशन के आधार पर इस वक्त देश की टॉप यूनिकॉर्न कंपनियों में फ्लिपकार्ट $38 बिलियन यानी 2,80,000 करोड़ रुपए के साथ पहले नंबर पर है। बायजूस $22 बिलियन यानी 1,60,000 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। पेटीएम $16 बिलियन यानी 1,20,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ तीसरे नंबर पर है। $11 बिलियन यानी 82,000 करोड़ रुपए के साथ स्विगी चौथे नंबर पर है। पॉलीगॉन $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए के साथ पांचवें नंबर पर है, और जबकि ओयो रूम्स $9 बिलियन यानी 67,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ छठे नंबर पर है। जिस तरह से कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बढ़ते जा रहे हैं, उससे ये साफ दिखता है कि ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग is going to be the future of shopping in the country. ABP News, आपको रखे आगे।